लहसुन को छील लेंगे और इसकी दो तीन कली डाल देंगे लहसुन की। तो ये डाल दिया लहसुन, डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये रही गाइस चटनी, और चटनी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से आप चटनी बना सकते हैं। ये रही गाइस चटनी। सो गाइस चटनी की रेसिपी कैसी लगी आपको? चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो बताइएगा कमेंट में। सो गाइस लाल चटनी बनाने के लिए लेंगे पिसा हुआ मिक्सी के जार में लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ टमाटर, खाने वाला कलर दो चाप, पेरी पेरी मसाला, आधा टीस्पून, थोड़ा सा पानी, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। सो गाइस पेरी पेरी मसाला डालकर मैंने चटनी इस तरीके से अच्छी बना ली है। और ये रही बड़ा पाव के लिए चटनी। आप चाहे तो इसमें लहसुन डाल सकते हैं, मैंने लहसुन थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं। अब लेंगे कटोरी और इसमें रख लेंगे चटनी। सो गाइस ये दो तरीके की चटनी। तो गाइस बड़ा पाव के साथ खाने के लिए मैंने चटनी परफेक्ट तैयार कर ली है। ये रही लाल वाली चटनी और ये हरी चटनी। इस तरीके से गाइस आप चटनी बना सकते हैं। सो गाइस चटनी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं बड़ा पाव बनाने के लिए।